हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ आनंद विहार दिल्ली से अपने होम टाउन इटावा के लिए, और वो भी मैं आज रोडवेज बस के थ्रू ट्रैवल करने वाला हूँ। तो गाइस देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा। एक्चुअली इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम नाउ कि मैं रोडवेज से ट्रैवल नहीं किया फ्रॉम आनंद विहार टू यू नो होम टाउन। तो लेट्स सी कि क्या एक्सपीरियंस होता है। और अब देख सकते हैं चारों ओर मेरे ये आप कैसा यहाँ व्यू है। आनंद विहार जो बस स्टैंड है वहाँ का, और आफ्टर कोविड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ चेंजेस हुई हैं। लोग पहले यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, आज भी रहती है, बट अब थोड़ा यू नो लोग कम ही ट्रैवल करते हैं इस भीड़ भाड़ भरे टाइम में, क्योंकि यह होली का टाइम है। तो इसलिए थोड़ा यू नो अभी लोग भी कुछ टाइम के बाद जाना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाइस, ये यहाँ पे कुछ स्टॉल हैं जहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने की चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। और बाकी आपको गाइस आगे ब्लॉग में मैं और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा और देखते हैं आगे। सो गाइस, कुछ ऑफिशियल पर्पज से मैं ऑफिस आया हुआ था यहाँ नोएडा, और मैं गाज़ियाबाद में स्टे किया हुआ था मैंने। तो गाइस आगे देखते हैं क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है। वैसे तो बहुत टाइम हो गया मुझे, मैं यहाँ पे ट्रैवल नहीं किया रोडवेज से। सो अब देखते हैं आफ्टर कोविड और यू नो आफ्टर 1 to 2 ईयर क्या चेंजेस हुए हैं। सो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फैमिली ढाबा है, और बट यार गाइज सच बताऊं तो रोडवेज़ का सफ़र बहुत ही ज़्यादा अब बुरा हो चुका है मेरे। आज तो मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ा, ऑलमोस्ट 2 घंटे तक वेट करना पड़ा मुझे। तो गाइज़ यहाँ पे जो रोडवेज़ बस है एक ढाबे के आसपास रुकी हुई थी। यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, मतलब इतने अच्छे ढाबे हैं रास्ते में और इतने अच्छा होटल भी थे वहाँ, इन लोगों ने नहीं रोका, जहाँ पे लेडीज़ों के वॉशरूम के लिए भी काफ़ी सारी जगह होती है और वॉशरूम बनाए जाते हैं, इन लोगों ने वहाँ नहीं रोका। एक पता नहीं अजीब सा ढाबा है, यहाँ रोक दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये अजीब सा ढाबा है यार, कुछ नहीं है यहाँ पे भाई वॉशरूम के लिए। आप देख सकते हैं उधर वो दो आपको वो जो जगह दिख रही है वॉशरूम के लिए उन्होंने बना रखी है, जो कि जिसमें गेट भी नहीं है गाइस, और लाइट भी आप लोग देख सकते हैं, लाइट भी कुछ खास नहीं है, बस हल्का फुल्का उन लोगों ने। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब छोटा मोटा ढाबा टाइप ही है, और यहाँ खाने के लिए भी थोड़ा बहुत ऑप्शन है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये सामने आप देख सकते हैं गाइस वो बस खड़ी हुई है हमारी, जिसमें मैं आज आया था। बट ये गाइस यार ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि एक तो इतने टाइम के बाद बस चली, पूरा उन लोगों ने वेट कराया, अराउंड 2 घंटे मुझे वेट करना पड़ा, उसके बाद बस चली, और फिर उसके बाद इन लोगों ने एक तो यहाँ पे इस ढाबे पे रोक रखा है गाइस, जहाँ पे कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं ये देखो, ये वॉशरूम है सामने, ये आप देख रहे हैं ये वॉशरूम है जिसमें कि गेट भी नहीं है, और ये देखो ये एक्चुअली गाइज मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने यहाँ क्यों रोका, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है इस ढाबे पे, कुछ भी नहीं है खाने के लिए भी, कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, वॉशरूम तो है ही नहीं कोई अच्छा सा जहाँ पे कोई वॉशरूम में जाए, और ख़ासकर लेडीज़ लोग के लिए, अगर आपके साथ में कोई लेडीज़ है तो ये कुछ चीज़ें बहुत गलत हैं।
जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और बाकी गाइस आप देख सकते हैं आसपास, ये जो कुछ है यही है। बट जो कि मुझे बहुत गलत लगा, क्योंकि नाइट में ट्रैवल करना मींस यू नो इफ़ यू आर विथ फैमिली, तो ओबियसली जहाँ पे बस अगर रुकती है तो वहाँ वॉशरूम के लिए और थोड़ा इन सब चीज़ों की चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बट यहाँ पे आप गाइज देख लो कुछ नहीं। एंड गाइज अबाउट माय ट्रैवल एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक तो बहुत वेट करना पड़ा मुझे वहाँ पे। मैं आ चुका था अराउंड 4:30 पे, उसके बाद बस जो वहाँ से निकली वो अराउंड 2 घंटे के बाद निकली, जो कि काफ़ी लेट थी। और फिर यहाँ पे आके यू नो एक जगह पे रोका गया, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं है यहाँ पे, और इट इज़ रियली ए बैड एक्सपीरियंस। तो गाइज यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं मिला, और बस एक पैटीज थी वो मैंने खाई, जो कुछ खास नहीं थी। और बस एक्चुअली मैं सोच रहा था आज बहुत टाइम के बाद कि आज मैं यू नो रोडवेज बस से क्या एक्सपीरियंस मिलता है, तो एक व्लॉग बनाऊं उस पर। और बाकी गाइस यहाँ से अभी आगरा कुछ दूरी पे है, तो इन लोगों ने बीच में ये एक ढाबा पे बस रोक रखी है, तो फिर आगे चलते हैं गाइस, देखते हैं कि क्या क्या और एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे ये जो पीछे हमारे ढाबा है भाई, कुछ नहीं मिला यार। एक पैटीज खाई है, उसमें भी कुछ खास नहीं था, 20 रुपए की पैटीज थी और ऐसे ही था। और ऊपर से हाँ वॉशरूम अच्छे नहीं है, वॉशरूम के लिए भी आप देख सकते हैं कोई जगह भी इतनी खास नहीं है। और ये हाईवे पे आप देख सकते हैं गाइस, हाईवे के पास यहाँ पे बस इन्होंने खड़ी कर रखी है। तो ओवरऑल गाइस यही बोलना चाहूँगा कि आज सोच रहा था मैं कि व्लॉग बनाऊँगा, मैं रोडवेज से ट्रैवल करूँगा तो क्या एक्सपीरियंस रहता है, और वो सारा कुछ आपको वीडियो में दिखाऊँगा। तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि यहाँ पे अगर कोई फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये लोग ऐसी जगहों पे रोकते हैं जहाँ पे ना तो अच्छे वॉशरूम होते हैं, ना खाने के लिए कोई अच्छा ऑप्शन होता है, तो ऐसी जगहों पे इन लोगों ने रोक रखा है। तो गाइज मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है यार, और मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं अब अगेन रोडवेज से इस टाइम पे ट्रैवल करने वाला हूँ, वो भी तब जब आपको भूख लगी हो। तो खैर मैं एक्चुअली जब आनंद विहार से वहाँ से मैं बैठा था, तो मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं जब बस एक जहाँ ढाबा या कोई होटल में रुकेगी तो वहाँ पे मैं खाने के लिए कुछ ढूंढूंगा, ऑप्शन देखूंगा। बट यहाँ कुछ नहीं है गाइस, एक पैटीज खाई है, वो भी तब जब क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है, और यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस गाइस। बाकी देखते हैं यार, अभी एक्चुअली आगरा नहीं आया, अभी थोड़ा इन लोगों ने पीछे ही बस रोक रखी है, बाकी जब आगरा क्रॉस करेंगे तो देखेंगे कितना टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे आनंद विहार से अपने होम टाउन इटावा आज ट्रैवल कर रहा हूँ बाई रोडवेज बस। सो लेट्स सी गाइस। गाइस हमारी बस वो सामने खड़ी हुई है, और ये आप देख सकते हैं ये हाईवे है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा ये एक खेत है, और खेतों के बीच में ये एक ढाबा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कुछ भी नहीं है यार इस ढाबे में तो खाने के लिए। सोच रहा था भाई कि यार यहाँ पे रुकेगी तो एटलीस्ट कुछ खाने के लिए मिलेगा ऑप्शन में, बट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, अब बस वेट करना पड़ेगा घर तक। आई एम श्योर कि मम्मी ने कुछ ना कुछ बना के रखा होगा यार, तो वही खाऊंगा जाके, बस अब देखता हूँ कितना टाइम लगता है। तो यार फिलहाल तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, चलते हैं गाइज़ अपने बस की ओर, और
उसके बाद हम कितने टाइम में पहुंचेंगे उसके लिए हम देखते हैं। वे है और ये होटल है नीचे। यार इसको होटल भी बोलूं ना बोलूं। और उसके बगल में एक शॉप है, तो ऐसा ही है यार। फाइनली मैं ढाबा आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं वो मेरे पीछे खड़ी है बस, वो बस जिसमें मैं आया था। और बाकी आप देखते हैं यहाँ से, मुझे पर्सनल ऑटो लेना पड़ेगा घर के लिए और फिर फाइनली घर पे पहुँच जाऊँगा। आई थिंक टाइम ऑलमोस्ट हो चुका होगा, 1:30 बज गया होगा शायद। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे चारों तरफ, ये आप देख सकते हैं गाइस। और ये ऑफिस है, प्रिंस ट्रैवल्स का ऑफिस है। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कुछ ऑटो खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं चलेंगे नहीं चलेंगे। और गाइस चलिए चलते हैं घर की ओर। घर के जो गली पड़ती है पास में वहाँ पे, और आप सामने देख रहे होंगे ये गली मेरे घर की है। ठीक है गाइस, आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। ओके गाइस, सो मैं घर पे आ चुका हूँ अपने, और आप देख सकते हैं ये मेरे चारों ओर का व्यू जो मेरे घर के जस्ट सामने का है। और बाकी गाइस एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा नहीं रहा, मुझे काफ़ी, और सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो हुई होटल और वो ढाबे को लेके, कि कोई अच्छी जगह पे बस नहीं रोकी जाती है, जो कि मेरा अभी तक का सबसे बैड एक्सपीरियंस है रोडवेज बस से ट्रैवल करने का। बाकी गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरा काम आपको पसंद आता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द लाइक बटन एज वेल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग्स में। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।